एक बार फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हल्लमा पुरजोश पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू सपोर्टेड बाय फोनिक्स बैटरी। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, स्क्रीन के सामने हो या स्क्रीन के पीछे, इन्होंने जबरदस्त अपने जौहर दिखाए। इनके वालिद साहब के काम के सब बहुत फैन, इनके अपने काम के सब बहुत फैन, इनके भाई के काम के सब बहुत फैन, इनकी बेगम साहिबा के काम के सब बहुत फैन। तो बड़े एक टैलेंटेड पावर हाउस ऑफ टैलेंट हैं, और मैं इनकी नादानियों का बड़ा फैन हूँ, फिर इनकी फिर से नादानियों का बड़ा फैन हूँ, और इनके और ऐसे कितने सारे काम हैं। यासिर नवाज भाई हमारे साथ है सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं नादानियों और फिर से नादानियों YouTube पे जाके बड़ा एंजॉय करता हूँ भाई। क्या बात है। नहीं, मैं तो जब भी यार आता हूँ मुझे तो मैके में आया हूँ मैं। जो मुलाकात होती है मेरी सही है। जो निदा 15 साल से शो कर रही है अपना मॉर्निंग। निदा को आपके साथ भाभी को कितने साल हो गए माशाल्लाह? अभी कल 2 जून को 22 साल हो गए। ओके भाई, 22 साल। 2 जून को हमारी शादी के 22 साल माशाल्लाह। 22 साल। आजकल क्या मशहूर है सर? क्रिकेट विकेट का कोई शौक है? मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने का इरादा है या नहीं है बता दें? पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हर कोई बंदा देखता है, लेकिन क्रिकेट जो है मेरा थोड़ा है। दिल की बात बताएं, क्या लग रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में? कुछ जरा है मामला? मैं तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जीते आ रहे, शायद कहते ना कि बहुत सारे इज्तमाही दुआ करें तो लग जाती है, तो शायद मेरी दुआ ही लग जाए। यासिर भाई आप एक काम करें ना, आप कह दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान जीता तो आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें। आप कह दो फिर वही बात कह दो ना यार। आप लोग चाहते क्या? बुरी बात। मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल नहीं बंद होगा, ये प्रोग्राम बंद होगा। मैं तो पीछे बासित भाई की बात सुन रहा था। हाँ। सदमे में आ गया मैं यार, इनके पर YouTube चैनल देखूंगा कैसे मैं। यार आप भी यार तुसी भी मैं ये बड़ा मैं आपको ना अलग से वीडियो बना के WhatsApp कर सुने सही है यासिर भाई, वो आपका अलग से वीडियो बना के भेजेंगे WhatsApp पे, वो अलग से ही देखनी है। यासिर नवाज भाई हमारे साथ हैं। आप लोग जरा तालियां बजाएं तो बढ़ते मासूमाना खेल के जाने चले। चलो ना बिस्मिल्लाह। यार आप क्यों अक्षय कुमार बने हुए भाई? रिलैक्स हो जाओ वसीम भाई। आप की टांग तो सर बढ़ गई। अच्छा तो हम मासूमाना खेल की पहली गेंद की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है फिलिंदा ब्लैंक्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहली गेंद की जाने। आया खाली जगह पूर करनी है। ठीक है जी। अच्छा। ये आदि भाई ने बनाया बड़े मुश्किल से सवाल। अच्छा। अल्लाह रे पिछले 2.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। मैं एक डैश हूं या एक डैश हूं यार? ये आप क्या है? आपको लग रहा है मेरे में इतनी डैश है कि मैं ये डैश बनाऊं? हां, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं डैश हूं या डैश हूं। मैं डैश हूं या डैश हूं? हां, मैं एक्टर हूं या हस्बैंड हूं? अच्छा, ओके, सही है भाई। दानिश मेरा भाई सही, मगर है बड़ा डैश। यार ये सेंसर ना हो जाए, कैमरा का नोटिस ना आ जाए। यार आप कहे हैं बड़ा सही, मतलब आपको ऐसा नहीं, आपने बात दिल की कर रही है। अच्छा यार, हाँ, ये यार सेंसर पे। चलो मैं दानिश के सवाल। दानिश मेरा भाई है मगर है बड़ा, लेकिन है बड़ा टैलेंटेड। अच्छा टैलेंटेड है। आप कह रहे हैं मेरा भाई है लेकिन टैलेंटेड बहुत है, तो आपका भाई मतलब टैलेंटेड नहीं हो सकता क्या? क्या मतलब? नहीं, भाई भी है टैलेंटेड। टैलेंटेड, अच्छा ठीक है, ओके। अब पहले मैं डैश था, अब नहीं हूं। पहले मैं कुंवारा था, अब नहीं। अब हो नहीं पा रहा। अब हो नहीं पा रहा यार आदि। निदा को लगता है कि मैं आज भी डैश हूं? निदा को लगता है कि हां ऐसे ही है? नहीं, निदा को लगता है कि हां। यार ये मुझे उनकी बातों से लगा कि मैं लगता है। देखिए कैमरा का नोटिस आ जाए तो क्या कहिएगा। निदा को लगता है कि मैं आज भी मासूम हूं। अच्छा, ओके ठीक है। बेशक निदा मॉर्निंग शोज करती हैं, मगर मेरे ख्याल में मॉर्निंग शोज डैश है। या तो आज ये कैमरा बंद कर देगा या आपके घर के दरवाजे बंद कर देगा। ये ज्यादा चांस लग रहा है घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इन सवालों के बाद यासिर भाई दिन में सोच रहे हैं कि बदामी बड़ा डैश है। सवाल दोबारा ये तो है। अच्छा सर,
बेशक निदा मॉर्निंग शो करती हैं, मगर मॉर्निंग शोज डैश हैं। मॉर्निंग शोज अच्छे हैं। ये जिस तरह आपने बोला है समझ गया, सही है भाई। अवार्ड शोज तो यकीनी तौर पर डैश हैं, फजूल है। हाँ फजूल है, बस क्लिप वायरल हो गया आपका। अच्छा ठीक है, ओके। टेलीविजन डैश जबकि सोशल मीडिया डैश है। टेलीविजन जो है वो आप जिस तरह टेलीविजन हकीकत है और जो सोशल मीडिया है सब फेक है। हाँ वाह 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 क्या बात, सही है, ओके। मायरा खान डैश जबकि महवेश शहद डैश है। मायरा खान प्यारी जबकि महवेश शहद बहुत प्यारी है। अच्छा ठीक है। अलीज़े शाह को बाद सलाम कहना चाहूंगा डैश। अलीज़े शाह को बाद सलाम कहना चाहूंगा डैश। बस मेरे ख्याल में जुमला कंप्लीट है। नहीं नहीं सर, इसमें हो सकता है कि आप कैसी हैं। ठीक है, मेरी मतलब पूरा जुमला होता है। बाद सलाम कहना चाहूंगा यार, ये तो आप आप कहते बॉस मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है सही यार, कोई मदद थोड़ी सी। अली जीशान की बात कर रहे हैं आप? जी जी अली जीशान। अली जीशान आप तरक्की करें बड़ी होकर। हाँ दुआ दे दें। हाँ ठीक है, नहीं आप मेरे साथ काम करें। काम अच्छा, दोबारा काम करें। प्रॉपर्टी का? ओके, प्रॉपर्टी का नहीं, प्रॉपर्टी का क्यों? जो जो कसर रह गई, जो कसर रह गई थी वो अब मैं पूरी करूंगा। वाह अच्छा है। सर एक और मिली है, यासिर नवाज ने लाइव शो में अलीज़े शाह को साथ काम करने की ऑफर दी। ये भी कहते हैं जो कसर रहेगी वो मैं पूरी करूंगा। ये भी कहा साथ में, ये भी कहा भाई यासिर भाई मेरा पसंदीदा शेर डैश है, तो इसमें आपने एक शेर सुनाना है ना करें यार। हाँ हाँ, फिर ये भी सुनाएंगे और वो भी सुनाएंगे। नहीं नहीं ये सुना दो, शेर शायरी नहीं आती यार। तो शेर तो सुनाना है यासिर भाई, आप अपनी तरफ से कह दे, शायद भाई सुना दे, शायद भाई सुना दे आप प्लीज हो जाए। नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है कि आप तब तक सोच रहे इनका, इनके अशार सुनने के बाद खास तौर पर दोगे आपको हौसला हो जाएगा कि ऐसा शेर तो कोई भी सुना सकता है। ये डब्ल्यू 11 वाले सुनाते हैं। ये भी हो सकता है शायद भाई वॉइस ओवर दे, मैं लिप सिंक कर दूं। आप बोलते हैं ये भी हो सकता है। और उसके बाद जो आज 4.5 लाख लोग बैठे हुए यहाँ साथ में ऑडियंस, ये फैसला करेंगे सबसे अच्छा शेर किसका। शाहिद भाई से शुरू करते हैं। इरशाद इरशाद। मैं शेर सुनाने के बजाय एक बताता हूँ बात, जिस तरह यासिर की फैमिली में इतना टैलेंट है, मतलब इतने एक्टर्स हैं और इतने एंकर्स हैं, इसी तरह पापुआ न्यू गिनी का एक प्लेयर है असद, उसका नाम है चार्ल्स एमिनी। अच्छा। उसके दादा ने कप्तानी की टीम की, उसके अब्बा ने कप्तानी की, उसके भाई ने कप्तानी की, उसकी मदर पापुआ न्यू गिनी की विमेंस की कैप्टन है। ओए, ओए, उसकी ओए। उसकी बहनों ने पापुआ न्यू गिनी की नुमाइंदगी की, उसके दो कजन ने पापुआ न्यू गिनी की नुमाइंदगी की। तो बास चीजें फैमिली में होती है, इसी तरह यासिर की। मुझे लगा शायद एकदम से कहेंगे यार उनकी फैमिली को इमदाद की जरूरत है। शाहिद भाई ये सारी बातें उनकी फैमिली को पता है? नहीं है। नहीं तो उनकी फैमिली ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान समझा हुआ था कि बाप हुकुमरान पे बेटा बल्ला बॉल वो अपने घर से लेके आते हो। वाह वाह वाह। एक और चीज नहीं बताई, उनकी खाला भी बताएं जरा, 50 फील्डर की खाला भी। और पापुआ न्यू गिनी में जो 1850 में खेल होता था क्रिकेट का, वो जो ब्रिटिश मिशनरी ने शुरू कराया था, उसमें 50 फील्डर होते थे और गेंद की जगह पत्थर से खेलते थे। ये आप जो टीम का आबाई गाँव है क्या पापुआ न्यू गिनी? आज तो लग रहा है कि गूगल बनफ्स नफीस सामने आ गया। भाई शेर सुना है, शेर शायद भाई शेर भी सुना दे। खैर है शायद भाई, टीम का नाम क्या बता रहे हैं? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी मेहमानों की टीम है। नहीं भाई क्या हो गया, तो भाई मुल्क का नाम है पापुआ। अच्छा मुल्क का नाम। शेर शेर शेर। हां ये जो अपना आदि है, ये जो आर्टों का आदि है। तो भाई एक मिनट क्या हो गया, माइकल जैक्सन नहीं है शायद भाई ये जो ये जो अपना आदि है, शरारतों का आदि है, करनी इसने शादी है, ढूंढनी लड़की सादी है, ये जो अपना आदि है। वाह ये और वो भी सादा। अच्छा मेरी शादी, मैं तो इस शादी को नहीं मानता हूँ। अच्छा नहीं मानता, उसको नहीं मानता। नहीं शायद मैंने बहुत अच्छा किया, मेरी जब भी शादी हो ना आपने जरूर नहीं आना, ठीक है? याद से बल्कि मैं तो कहता हूं आप इनको शादी वाले रिमाइंडर ही भेजना कि आपने नहीं आना। वसीम भाई मैं आज
थोड़ा सा सीरियस शेर लाया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ टीम के, मैचेस के, लोगों के, उनके लिए थोड़ा सा अच्छी बात। अगर आप सर, मैं तो खुशी होगी थोड़ा सा माहौल, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप एक संजीदा शेर सुनाओ। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा कि करते हैं ये अपनी टीम को तनकीद, जमीर इनके सोए हुए हैं, करते हैं अपनी टीम पर तनकीद, जमीर इनके सोए हुए, सोए हुए, सोए हुए, ओए होए, ओए होए, बदो बदी, बदो बदी। सॉरी, बहुत अच्छा, वजन में डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, भूल गया ये शेर आखिरी का। एक होती है आजाद शायरी, ये मादर पिदर आजाद, ये तो बिल्कुल आवारा शायरी है ये। भाई सर आप सुना दे सर। अपने गमों को तुम रोड पे घसीटो हैं, ए वसीम। अच्छा, ए वसीम, अपने गमों को तुम रोड पे घसीटो, ठीक है, दमत कसीटो, दमत कसीटो। ये क्या कर रहे हैं, हमारे थोड़ा मसला हो रहा है भाई। अर्ज किया है, अर्ज किया है वसीम, बहुत आला मेयार के शेर, बहुत आला मेयार। अर्ज किया है सर, शेर हो गया। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, और सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। वसीम भाई, ये लो क्रिकेट का बैट। वाह वाह। सर मैं वोटिंग करा लूं, सर मुझे नहीं चाहिए बैट, तो आपकी नुमाइंदगी शायद आशमी साहब ने की है, ठीक है। तो जिनके ख्याल में सर ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। वाह, मैं तो इनको नहीं मानता हूं। आप इनको भी नहीं मानते? अच्छा अच्छा, ठीक है, जिनके ख्याल में उन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है, और जिनके ख्याल में शाहिद भाई ने यानी कि यासिर भाई ने सबसे अच्छा। यार यार आप जीत गए। मैं एतराज करता हूं वसीम, इस प्रोग्राम के तवज्जो से एतराज करता हूं। क्या? क्योंकि यहां तो सब शायरी चल रही थी, लेकिन वो शाहिद भाई ने जो मेहंदी के गाने सुनाए हैं वो शायरी तो नहीं है। वो शायरी अब नहीं मानते मेरे टीम के खिलाफ। दूसरे मेरे टीम के खिलाफ जो भी खेलेगा उसको मैं हरवा दूंगा। मेरे टीम के खिलाफ जो भी खेलेगा मैं उसको हरवा दूंगा। बाबर आजम तुम 3 छक्के मारो, मैं इनका यूट्यूब बंद करवा दूंगा। यार बढ़ते हैं, बढ़ते हैं मासूमाना खेल के दूसरे राउंड की तरफ। चलो भाई, भाई एक सवाल है यासिर भाई, हमने लोगों से पूछे हैं इसके जवाब, 4 जवाब हैं इसके, तो आप सबसे मदद ले सकते हैं। आपने बताना है कि आपके ख्याल में लोगों ने क्या जवाब दिए होंगे। अच्छा। सवाल क्या है, सवाल दिखाएं भाई। सवाल ये है कि किसी भी फिल्म में विलन क्यों जरूरी है। इसके चार बहुत सारे जवाब दिए लोगों ने, जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है ना वो हमने यहाँ लिख लिए। तो किसी भी फिल्म में विलन आपके ख्याल में क्यों जरूरी है, विलन क्यों जरूरी है किसी भी फिल्म में? ताकि वो हीरो नुमाया हो सके और हीरोइन मजलूम लग सके। अच्छा, यानी हीरोइन को मजलूम मजलूम दिखाने के लिए। अच्छा, आमतौर पर हीरो जो है, विलन जो है वो हीरोइन पे बुरी नजर लगता है ना। हाँ, आप अगर किसी फिल्म में विलन आए तो आप क्या चाहेंगे, हीरोइन कौन हो? हीरोइन कौन ना हो? ये ऐसा हीरोइने, ये तो विलन वाली हरकत है। क्या? ये तो विलन वाली हरकत है, विलन वाली हरकत है, ये सोच भी विलन वाली है। आप कह रहे हैं हीरोइन को मजलूम बनाने के लिए। भाई ऐसा कोई ऑप्शन लोगों ने बताया होता है हीरोइन को मजलूम बनाने के लिए? ऐसा अगर है तो जरा दिखाएं ताकि पता चले कि ये पहला जवाब सही दिया है हीरोइन को। ओके, जबरदस्त। और विलन इसलिए भी जरूरी है कि विलन ना हो तो आपको वोट नहीं पड़ता है। वोट नहीं पड़ता है? सर ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे तो हीरोइन। अच्छा ऐसे ही, ठीक है। और क्या है, और क्या बताना है? चार बताने हैं, बताने हैं। वेरी गुड, क्या बात, आप मशवरे भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। देखिए विलन, विलन विलन की पिटाई करवाने की, किसकी रही विलन की पिटाई? विलन हीरो पूछ रहे हैं, विलन की जरूरी है। हीरो मारता है तो विलन की पिटाई होती है ना। हीरो हीरो लग सके। अच्छा, यहां पे हीरो है भाई, बेशक मार, वो यानी बात है मां, यानी हीरो। हां अच्छा, यानी हीरो जरा हीरो लग सके, मार धाड़ मार पिटाई, ऐसा कुछ है? जरा ऑप्शन दिखाएं भाई, ऐसा कुछ है इसमें? मां, ओके, मार धाड़ के लड़ाई झगड़ा। और क्या वजह हो सकती है? ये वजह भी हो सकती है कि जो लोग विलन का कैरेक्टर करते हैं उनको काम मिले। अगर विलन ही नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। सवाब की नीयत से तो ये होता है, इसलिए फिल्म में विलन रखें, विलन रखें कि इसको इसकी रोजी रोटी लगी रहे। प्लीज लोगों के बारे में सोचा करें, सेल्फिश ना हो ये। वसीम भाई आपको माशाल्लाह कितने साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए? सर 17वां साल है मेरा ख्याल, 14वां साल। 17 सालों से आपने मोजे नहीं पहने। स्टाइलिश शॉर्ट शूज है सर, देखे ना मेरे पहने शॉर्ट वाले शूज। अच्छा, छोटे वाले पहने, नजर नहीं। अच्छा, छोटे मोजों को तो मैं नहीं मानता। अच्छा, इसको नहीं मानते किसी चीज को नहीं मानते आप? और क्या हो सकता है? अच्छा, किसी भी फिल्म में मार धाड़ के लिए, हीरोइन को डराने के लिए आदि क्या कह सकते हो? फिल्म में विलन ये बात साबित करने के लिए कि हर आदमी हीरो नहीं बन सकता, विलन भी बन सकता है। क्या हो सकता है? प्यारी बात।
आपका क्या ख्याल है बताएं भाई? मैं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक कहानी में एक टर्न लाने के लिए ट्विस्ट लाने के लिए ये हो सकता है, इसको लॉक करें ना। कहानी में ट्विस्ट से आदि भाई को कहना क्या आपको लगता है कि ठीक दिखाएं जरा कहानी में, फिल्म कंप्लीट हो ही नहीं सकती फिल्म। हां ट्विस्ट के ओके भाई वाह वाह, ये तो आपने ऐसे बताया जैसे अभी किसी ने आपका जवाब बताया और आपने कमाल कर दिया आपने। अभी नहीं नहीं ऐसे लगा जैसे मैंने क्यू कार्ड फेंका ना जवाब लिखा हुआ और आपने बता दिया, ऐसे लग रहा। एक्चुअली अभी नहीं, और आखिरी क्या हो सकता है? अभी नई नई शूटिंग खत्म की है ना मूवी की। हाँ अच्छा, हाँ 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 ना बाले कपड़ा। और क्या आखिरी? आपकी बड़ी मेहरबानी है वसीम भाई की आज आपने मेरे फेवरेट पी फॉर पकाउ से जनाब नादिर अली भाई को बुलाया। पी फॉर पकाउ वाले नहीं है वो, नादिर है, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा फैन हूं उनका। अच्छा अच्छा ठीक है, इनका पप्पी लेने का मूड है भाई। आखिरी क्या हो सकता है? देखिए विलन को हमेशा सीरियस भी तो नहीं होता, हाँ कभी 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 कॉमेडी, आपने भी कॉमेडी भी किया तो नहीं किसी भी फिल्म में विलन को क्यों कभी कभी कॉमेडी के लिए आप कह रहे हैं? हाँ विलन कॉमेडी फिल्म में तो विलन इस तरह वाला तो नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? नहीं मैं तो आप कोई और बताएं, फिर देखते हैं दोनों में से किसका जवाब सही है। ताकि फिल्म का पे अभी खैर वो जो जवाब मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ वो इसमें नहीं होगा, अच्छे को अच्छे बुरे को बुरा दिखाया जा सके। अच्छा ठीक है, जो अच्छा सही मैं समझ गया। दूसरा ये नैयर इजाज फिर क्या करेगा घर पे सर? वो समझा दिखाएं भाई इसमें ताकि पता लगे किसका जवाब सही है, यासिर भाई का जवाब सही है या अच्छा ओके ये मगर पार्टी बिकी हुई है। नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे आपको किसी ने जवाब बताया ऐसा लगा है मुझे। नहीं मेरे आर्टिस्ट ने सोचा। अच्छा मैं